महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। सभा में भारी बहस के बाद नागरिक संशोधन बिल आखिरकार पास हो गया। पक्ष में 311 वोट पड़े, वहीं 80 विपक्ष में पड़े। और इसी के साथ जैसे ये बिल पास हुआ, जय श्री राम के नारे भी लगते सुनाई दिए। 88-0। आप देखिए किस तरह से ये बिल पास हुआ। निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोबी खोल दी जाए, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 10 दिसंबर 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बैठ जाओ भाई, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। माननीय वरे ठीक नहीं है, माननीय वरे ठीक नहीं है, इनको आपको रोकना चाहिए माननीय वर। और आप लोग, पूरी दुनिया देख रही है, भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में, भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था, और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना।